हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के समय में मैप हमारे किसी भी एग्जाम में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्या है कि हम भारत के सभी राज्यों के लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, या भारत के कौन सी राज्य किस राज्य के पड़ोसी हैं, ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आजकल में सुने होंगे कि भारत के जो गुजरात राजस्थान में क्या हुआ कि बिपरजॉय नामक चक्रवात से प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ये जो चक्रवात आया है, यह चक्रवात कहाँ से आया है और गुजरात राजस्थान का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, जिससे उस लोक जो बिपरजॉय जो नामक जो चक्रवात है इन सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है, और क्या वहां से अगर कहीं और दिशा में उसकी दिशा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम जानेंगे कि भारत जो है या भारत का मानचित्र है, ठीक है, इनकी जो सभी राज्य है, सभी राज्य के बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी होता है किसी भी फिजिकल राजनीतिक मतलब भौतिकी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। जैसे कि अगर कह देगा कहाँ है कि गुजरात जो है गोवा, तो गोवा कहाँ है, जैसे अगर आपको समझ में आएगा, कोई पूछेगा क्या कि गोवा की जो यह है ना पर्यटन स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ जो बहुत सारे बीच पाए जाते हैं, यानी वह समुद्री इलाका में, तो आपको सीधे माइंड में जाना चाहिए उसका लोकेशन कि अच्छा गोवा वहाँ उसका पोजिशन वहाँ पर है, यानी भारत के उस जगह पर है और उसकी जो समुद्र है वो समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो इस तरह से आपके माइंड में बनना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा कि आपको भारत में जो जितने भी स्टेट है सभी के लोकेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है और याद रहना चाहिए और माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि अगर किसी भी स्टेट के बारे में आपको सुनने को मिले तो आपके माइंड में मानचित्र बनना चाहिए कि आखिर वह स्टेट कहाँ है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये हो गया, आपको पता होना चाहिए कि ये भारत है, ठीक है। तो ये भारत की अगर हम दिशा देखेंगे तो दिशा जानते हैं कि उत्तर में क्या ऊपर में क्या होता है, जैसे कि ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ठीक है, ये दायां है ये बायां है, इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या है कि अगर भारत जो भारत है ऊपर की दिशा में है, तो यानी ऊपर की दिशा में जो दिशा है वह उत्तर है, ठीक है, नीचे क्या है दक्षिण है, और इधर क्या है पूरब है, दाएं साइड में क्या है पूरब है और बाएं साइड में पश्चिम है। तो इस तरह से भारत की अगर हम दिशा के दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर की कौन कौन से राज्य है, यानी जो उत्तर दिशा में कौन से राज्य है, पूरब की दिशा में कौन राज्य है, दक्षिण की दिशा में कौन से राज्य है, पश्चिम की दिशा में कौन से राज्य है, ये हमें माइंड में पूरे आना चाहिए। जैसे कि पूछ देगा कि मध्य प्रदेश जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या आपको मालूम रहेगा तब ना कि ये जो राज्य है इसका नाम क्या है, ये राज्य है इसका नाम क्या है, ये राज्य है इसका नाम क्या है, ये राज्य इसका नाम क्या है, ये राज्य इसका नाम क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि भारत के कौन से राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से कोई एक ऐसा राज्य है जो राज्य सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे पूछ देगा कि असम जो है असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन है आ सकता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको माइंड में, हम बार बार कहते हैं कि आपके माइंड में भारत के, यानी एक तो ये सबसे पहले आपके सबसे जो बेसिक चीज है कि भारत में जितने भी स्टेट है सभी के लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर आप बात करते हैं, ये पहले पूरे एरिया जो था यह जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर था और ये भाग लद्दाख था, जो लद्दाख एक जिला था उसका जम्मू कश्मीर का पहले। लेकिन अब क्या है कि अगर ये भाग देखेंगे यहां से ये भाग, तो ये पूरे भाग लद्दाख हो गया है, ठीक है। अगर लद्दाख को हम इंडिकेट करेंगे तो एल से, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, लद्दाख हम पूरे लिख नहीं सकते हैं, और पेंसिल का यूज इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको फिर से मिटा करके हम फिर से इसमें किसी और चीज को हम निर्देशित कर सकते हैं किसी और चीज के लिए, जैसे कि कई सारी चीजें कि भारत में औद्योगिक दृष्टि से कौन क्षेत्र डेवलप है, कहाँ रेलवे लाइन है, तो इसलिए हम पेंसिल यूज करें। तो अगर आपके पास अगर ये मैप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें कि गूगल से डाउनलोड करके आप जीरोक्स निकाल सकते हैं, फोटोकॉपी इसका निकाल सकते हैं और बार बार उस पर प्रैक्टिस करें, लिखने की कोशिश करें कि कौन सा स्टेट कहाँ है, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम देखते हैं क्या कि जैसे ये ऊपर वाले क्षेत्र जो है, यह जो राज्य है इसका नाम लद्दाख है, ठीक है, ये जो है ये छोटा अब एरिया जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, तो इसको जे एंड के हम लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम जस्ट नीचे आएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आएंगे, तो ये है हिमाचल प्रदेश, जिसे हम एचपी से
डिनोट करते हैं, ठीक है, निर्देश करते हैं किसे, एचपी से हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के अगर पश्चिम में आप देखेंगे तो ये है पंजाब का एरिया, है ना, ये पंजाब, और जो पंजाब का कुछ भाग है यानी मैक्सिमम भाग अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान में चला गया। पंजाब बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कुछ ही भाग है जो पंजाब का भाग है, ये पंजाब हो गया। अगर पंजाब के जस्ट नीचे देखेंगे, जस्ट नीचे, तो ये है क्या, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा को हम किस डिनोट करते हैं, एच से। अगर देखेंगे क्या कि ये हरियाणा है, और हरियाणा के जो पूर्व में ये आता है, क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश था, और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे दक्षिण में जो था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो भाग है ना, ये भाग यहाँ पे आप देखें बाउंड्री लाइन हो गया, तो ये जो है विभाजित हो गया उत्तर प्रदेश, और ये क्षेत्र बन गया यानी उत्तराखंड, जिसे हम यूके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम यूके से डिनोट कर दिए। उसके बाद क्या है कि अब हम आपको बता ही दिए हैं कि ये हरियाणा हो गया, यूके हो गया यानी उत्तराखंड हो गया, तो नीचे में क्या है, यह यूपी है, ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब देखे होंगे कि जो दिल्ली है, ठीक है, आप सुने होंगे कि दिल्ली जो है ना पूरे, मतलब जो चारों साइड है, वो चारों साइड से जो घिरा हुआ है वह हरियाणा और यूपी से घिरा हुआ है, ठीक है, बीच में है हरियाणा और यूपी के। तो आखिर दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है ये है न्यू दिल्ली, ठीक है, तो न्यू दिल्ली को हम न्यू एनडी से लिख डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जो न्यू दिल्ली है वह तीन ओर से क्या है, हरियाणा से घिरा हुआ है, एक ओर से जो है यूपी से घिरा हुआ है, है ना, इस तरह से हमें जानकारी रखना जरूरी है। और ये अगर हम इस भाग देखेंगे, इधर के पश्चिम की तरफ देखेंगे, यूपी के पश्चिम हो गया, हरियाणा के जो पश्चिम दक्षिण की तरफ हो गया इसके, है ना, इस तरह से, तो ये हमारा आता है राजस्थान, जिसे हम आरजे से डिनोट करते हैं राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान के अगर जस्ट नीचे अगर दक्षिण देखें, ये दक्षिण की तरफ देखेंगे, ये दक्षिण है, नीचे नीचे की तरफ दक्षिण हो गया, उत्तर उत्तर हो गया, ऊपर की तरफ उत्तर, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ठीक है। तो देखेंगे कि राजस्थान के दक्षिण की तरफ जो है ये गुजरात है, जिसे गुजरात को हम जीयू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर अगर हम इधर के देख लिए इस भाग को, पश्चिम के भाग के, पश्चिम के नीचे वाले भाग भी देख लेते हैं, अगर गुजरात के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये हमारा है महाराष्ट्र, जिसे हम एमएस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों के अगर हम पूरब में देखेंगे, ठीक है, इसके तो उत्तर पूर्व हो गया, इसके पूरे पूरब हो गया, इसके क्या है, दक्षिण पूर्व हो गया, है ना, राजस्थान के, तो ये हमारा आता है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश नाम पड़ा है, यानी मध्य में, भारत के सबसे मध्य में जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश हो गया, तो इसको हम एमपी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, कि मतलब ये मतलब कहते हैं कि मध्य प्रदेश होगा यानी भारत के सबसे मध्य में है, तो ये मध्य में है ही, तो यहां तक हमारा हो गया, ठीक है। यहां ऊपर वाला लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये यूपी, ठीक है, ये न्यू दिल्ली। अगर देखेंगे कि कहता है कि अगर जैसे कि बिहार से कोई बच्चा आता है दिल्ली की तरफ, न्यू दिल्ली पढ़ने के लिए, ठीक है, तो क्या कहता है कि उसको जो आधा से ज्यादा, अगर ये बिहार के बच्चा कहीं यहाँ पे पूर्णिया के क्षेत्र में है, ठीक है, तो उसको कहता है कि जैसे कि इसको आने में लगभग 26 या 27 घंटा लगता है यहाँ न्यू दिल्ली आने में, तो कहा जाता है कि यानी जो 10 घंटा है ना, या 10 नहीं 12 घंटा बिहार में लगेगा और 14 घंटा उसको लग जाता है यूपी में। तो क्यों, तो आप देखेंगे कि पूरे जो यूपी पार करके आना पड़ता है न्यू दिल्ली, ठीक है, तो यूपी के पूरब में क्या है, तो बिहार है, जिसे हम बिहार से डिनोट करते हैं, है ना। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, ठीक है, तो बिहार, तो यानी बिहार से सटा ही होगा ना झारखंड, है ना, तो इधर तो यूपी हो गया, ठीक है, इधर तो इतना जो एरिया है ये एरिया होगा नहीं, तो यानी जस्ट नीचे वाला एरिया जो है आपको पता होना चाहिए कि बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो यानी ये क्या हो गया, झारखंड को हम जेएच से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए पूरे माइंड में, ठीक है। अब देखेंगे कि झारखंड और मध्य प्रदेश के जो बीच में है, देखेंगे ये है छत्तीसगढ़, जिसे CEH से हम डिनोट करते हैं। छत्तीसगढ़ जो है यह अलग हुआ है उड़ीसा से, ठीक है, तो ओडिशा के यानी जस्ट बगल में होगा इसका ओडिशा, यानी ओ डी से डिनोट कर देते ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो गया। और देख एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश में क्या कर रहे थे, मतलब शासन कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय जो था कि जैसे कि बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, ठीक है, फिर जाके 1912 में अलग हो गया था, तो देखेंगे कि जो बंगाल का क्षेत्र था, ये बंगाल का पूरे क्षेत्र यहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र बंगाल का था, ठीक है, ये पूरे बंगाल, ये एरिया जो है पूरे बंगाल का था,
तो जैसे कि बिहार भी अलग हो गया, झारखंड भी अलग हो गया, उड़ीसा भी अलग हो गया, हो गया। तो यानी इन्हीं इसी के बगल में आसपास में होगा कहीं पे पश्चिम बंगाल। तो ये जो एरिया देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल जिसे हम डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का ही भाग था जब जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय, या जो 1947 में यह क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान बना था, और ये पश्चिम पाकिस्तान जो आता भारत में आ गया था, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो है दो भागों में हो गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जो है भारत के साथ रहा, जिसे हम पश्चिम बंगाल अभी भी जानते हैं, और पूर्वी बंगाल जो था इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो 1971 में इसे बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, यानी आजाद कर दिया गया। तो ये बांग्लादेश जो है पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, जो ऐसे भी अगर पूर्वी बंगाल भी कह सकते हैं इसको। तो ये बांग्लादेश आपको जान जाना चाहिए, यहाँ पे डिनोट नहीं करे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो देखेंगे कि यूपी और बिहार से कहता है ना कि सभी बच्चे कि आप यूपी बिहार जानते हो, तो आपके जस्ट बगल में क्या है, नेपाल होगा, है ना। तो क्या है, नेपाल जो हमारे है यानी बिहार और यूपी के क्या है, उत्तर में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेपाल। तो नेपाल को हम एनी से डिनोट कर दिया, बंगाल को हम बंगाल से बी से डिनोट कर दिया। तो इतना चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि हम पूरे माइंड में रहना चाहिए कि कहाँ कैसे है, ठीक है, याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे, अगर दक्षिण की तरफ आते हैं, अभी पूर्वोत्तर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण की तरफ आ रहे हैं हम। तो दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया अगर देखेंगे आप, यही है हमारा गोवा, जिसे जीओ से डिनोट करते हैं गोवा को, ठीक है। गोवा जो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह एरिया जो बीच के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ के पर्यटन स्थलों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब लुभावनी एरिया है, यानी रोमांचक एरिया जिसे कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच है। बाकी जगह अगर जैसे कि यहाँ पे समुद्री इलाका है, ठीक है, तो ये समुद्री इलाका है तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, ये सब एरिया में पत्थर है, ये सब बहुत ज्यादा ये गहरा है, एरिया बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि यहाँ पर के जो भाग है टूट के गिर गया हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया बीच के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कंडीशनल है, ठीक है, यानी कंडीशन रखता है, यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए गोवा जो है सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है और बीच के लिए। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ना कर्नाटक है, जिसे हम KR से डिनोट करते हैं, या कर्नाटक है, महाराष्ट्र के दक्षिण में क्या है, कर्नाटक है, गोवा के पूर्व में क्या है, कर्नाटक है। अगर देखेंगे कि महाराष्ट्र के अगर ये जो एरिया है, ये एरिया क्या ये दिशा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो दक्षिण पूर्व ये जो पूरे एरिया था, यह एरिया था आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये एरिया पूरे आंध्र प्रदेश था। लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए कि 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या हुआ था कि जो हैदराबाद है, ठीक है, वह अलग हो गया था, आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद नहीं, तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्या है, यह तेलंगाना है, तो ये तेलंगाना हो गया। उसके बाद ये हो गया, क्या हो गया, जो पहले था आंध्र प्रदेश वो आंध्र प्रदेश है, तो ये AP हो गया, और ये क्या हो गया, तेलंगाना, कैसे हम डिनोट कर दिया। तो ये हमारा पूरे हो गया क्षेत्र। अगर हम जस्ट नीचे देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये इस तरह की जो आकृति है, जो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कि यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा झील है। अभी फिलहाल में आपको सुनने को मिला होगा कि कौन ऐसा स्टेट है, भारत का कौन ऐसा स्टेट है जहाँ जो मेट्रो है ना वह जलीय मेट्रो चला है, ठीक है, यानी झील में चला है मेट्रो, तो ये केरल है, ठीक है। तो केरल को हम KE से डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा हो गया तमिलनाडु। अगर जानते होंगे कि कहता है कि भारत के सबसे दक्षिण में क्या है, तो तमिलनाडु है। क्यों, क्योंकि केरल जो है यहीं तक है, उसके बाद ये जो भाग है ये किसका है, तमिलनाडु का। तो ये भाग दक्षिण में सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु का है, ठीक है। उसके बाद हम देख लिए पूरे भाग, इतना जानकारी हो गया होगा आपको। उसके बाद देखते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ अगर देखेंगे वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक आता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है असम तक, असम को भी छूती है, तो ये हमारा असम है, जिसे हम AS से डिनोट करते हैं। और ये जो एरिया आप देखते होंगे कि बार बार जो इस तरह से निकाल दिया जाता है पिक्चर, अगर आप मैप बनाते हैं तो ये एरिया है ना, अगर नेपाल को हटा देते ऐसे करके कर देते हैं ना, तो ये जो है सिक्किम है, ठीक है, इसको S से डिनोट कर देते हैं। और ये जो देश है ये है भूटान, BH से हम डिनोट करते हैं भूटान को, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश है, जो चीन कहता है कि ये हमारा है, ठीक है, चीन इस पे हथियाने की कोशिश करता है, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसे हम AP से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज सुने होंगे कि असम जो है ना, असम वह पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं
उस सभी राज्यों के मध्य में आता है। तो मध्य में कैसे आता है तो देखेंगे, और यह जो है 6 स्टेटों से घिरा हुआ है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए वेस्ट बंगाल से यहाँ पे लगता ही है, ये देखेंगे मेघालय है, MG से हम इसे डिनोट कर देते मेघालय, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक असम आया हुआ, ये एरिया असम तक, ये असम यानी त्रिपुरा से भी घिरा हुआ है, त्रिपुरा का टी लिख दिए। ये सबसे नीचे वाला भाग देखेंगे आप तो ये है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम को MI से डिनोट कर दिए। ये हो गया मणिपुर, जिसे हम MN से डिनोट करते हैं, ठीक है, मणिपुर को। और ये हो गया नागालैंड, NG से डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम भारत के सभी भागों, जितने सभी स्टेट है, सभी स्टेट को लोकेशन देख लिए। क्या है दोस्तों कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे हम, मुझे याद है, तो हमने 2-3 मरतबा प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूपी है, ठीक है, तो यूपी जो है कितने, कहा जाता है कि 8 राज्यों से यह घिरा हुआ है, ठीक है। यूपी भारत में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है, तो यूपी अगर गिनेंगे एक, देखिए यूपी जो है एक हो गया, यूके से घिरा हुआ है, अरुणाचल, ये हिमाचल प्रदेश से भी घिरा हुआ है, हरियाणा से भी इसकी मतलब सीमा लगती है, न्यू दिल्ली से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, बिहार से भी। तो इस तरह से 8 टोटल जो राज्य है वह बिहार के, मतलब सॉरी यूपी के जो सीमा से क्या संलग्न है। तो इस तरह से आज का यह वीडियो रहा, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।